अरे साजिश नहीं किया, हमें जो पहले छात्रवृत्ति मिलता था आज हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है अदर स्टेट में पढ़ने के लिए। समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से जो है अनुसूचित जाति बच्चे को जो है शिक्षा का स्तर कमजोर करने का साजिश क्यों करेगी। महागठबंधन की सरकार चल रही है, ए टू जेड की पार्टी है, जनता का राज है। नेता मंत्री कुछ नहीं करेगा। देखिए आज हम आपको बता देते हैं, बिहार के दलित नेताओं में दम होता या सरकार के पास मैसेज पहुँचाने का दम होता या नीतीश कुमार को कहने का दम होता तो अनुसूचित जाति आयोग बंद नहीं होता। महागठबंधन के सरकार में दलित अत्याचार नहीं हो रहा है। आंकड़ा उठाकर देखिए तो कि कौन ऐसा जिला में है जो हम पांच मंत्री नहीं मांग करते हैं, हमको एक अनुसूचित जाति आयोग चालू करवा दे। पूरे बिहार से अनुसूचित जाति आयोग में एप्लीकेशन आते हैं, बताइए कितने का सुनवाई होता है। जब हमारा संस्थान को बंद कर दिया गया तो हम क्या समझेंगे कि दलित विरोधी काम है कि नहीं है। पूरे बिहार में दलित का अत्याचार हो रहा है, आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए। आप बताइए ना कि 16% बता रहा, पूछ रहा है कि आपने अनुसूचित जाति आप जाके अपने सरकार के दलित नेता से पूछे बात की क्यों बंद हुआ। अरे दलित नेता सेकने पर पड़ा हुआ है, दलित नेता कौन है बिहार? चिराग पासवान जितना मांझे संतोष कुमार सुमन है। कौन संतोष कुमार सुमन है? कभी संतोष कुमार सुमन किसी कल्याण छात्रावास में गया है? देखा है कि क्या समस्या है? हम बोले ना कि एक संस्थान को चालू करे सरकार अनुसूचित जाति आयोग को, आप पांच मंत्री को बर्खास्त करे। आप बताइए, आप जनता को जवाब दीजिए, दलित को जवाब दीजिए। यूनिटी कब बनाइए? हम समाज के युवाओं वर्ग को लड़कारते हैं। बिहार में दलितों के लिए यही दुर्भाग्य है कि हम लोग संगठित नहीं है, और जिस दिन संगठित होंगे सरकार ना बना लेंगे, हम कुर्सी पर ना आ जाएंगे। आप क्या किए कर रहे हैं? एगो हनुमान जी हैं, एगो बजरंगे बली हैं। इतना बेवकूफ नहीं दलित समाज है कि आपको नेता माने, अपने समाज के लिए। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बात करेंगे कि बिहार सरकार जिस तरीका से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहते हैं, दलित महादलित कहते हैं, उनका छात्रवृत्ति खत्म किया जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दलित समाज से बहुत सारे लोग हैं कि अब आगे चल के आपके बाल बच्चे कैसे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया हम लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अमरजीत कुमार। आने वाले कल के समय में आपके बाल बच्चे नहीं इंजीनियर डॉक्टर बन पाएंगे क्योंकि छात्रवृत्ति बंद हो रही है। देखिए छात्रवृत्ति तो 2016 से ही नीतीश कुमार की सरकार था उस समय बंद हम लोगों को कर दिया था, उसके जगह पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया। आज अनुसूचित जाति लड़के को जो है ना ये पूर्ण रूप से शिक्षा से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम ले रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपये मिलते हैं। 4 लाख में क्या आपका अपना बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना लीजिए? देखिए सर, ये अनुसूचित जाति को जो शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर करने का सबसे बड़ा साजिश है। 2016 से ही साजिश क्यों करेगी सर? क्यों, अरे साजिश नहीं किया, हमें जो पहले छात्रवृत्ति मिलता था 16-17 में, उस समय हम लोग का जो जहाँ पे जितना फीस इंस्टीट्यूशन का होता था, जो संस्था का होती थी, कॉलेज का होता था, वो सरकार भरपाई करती थी। हमारे बच्चे बिहार से अदर स्टेट में पढ़ने जाते थे। आज हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है अदर स्टेट में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सीमित 4 लाख का लोन कर दिया गया है। हमारा शेड्यूल कास्ट का बच्चा लोन कहाँ से देगा? तो समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से जो है अनुसूचित जाति बच्चे को जो है शिक्षा का स्तर कमजोर करने का साजिश है। साजिश क्यों करेगी? महागठबंधन की सरकार चल रही है, ए टू जेड की पार्टी है, जनता का राज है। नहीं, महागठबंधन की सरकार हो या किसका भी सरकार हो, महागठबंधन के सरकार में दलित अत्याचार नहीं हो रहा है। कौन ऐसा जिला में है जो, आंकड़ा उठाकर देखिए तो कि कौन ऐसा जिला में है जो कि अनुसूचित जाति अत्याचार हो रहा है? तो महादलित के बहुत सारे नेता भी तो है, वो तो चुप बैठे हुए कुर्सी के मलाई खा रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप वोट देके कुर्सी पर बैठे। नेता मंत्री कुछ नहीं करेगा। देखिए आज हम आपको बता देते हैं, 5 सालों से जो बिहार के अंदर राज्य अनुसूचित जाति आयोग है वो बंद पड़ा है। अगर बिहार के दलित नेताओं में दम होता या सरकार के पास मैसेज पहुँचाने का दम होता या नीतीश कुमार को कहने का दम होता तो अनुसूचित जाति आयोग बंद नहीं होता। हम पांच मंत्री नहीं मांग करते हैं, हमको एक अनुसूचित जाति आयोग चालू करवा दे, क्योंकि प्रत्येक दिन 100 से ऊपर एप्लीकेशन आते हैं। पूरे बिहार से अनुसूचित जाति आयोग में एप्लीकेशन आते हैं, बताइए कितने का सुनवाई होता है। जब हमारा संस्थान को बंद कर दिया गया है तो हम क्या समझेंगे कि दलित विरोधी काम है कि नहीं है। पूरे बिहार में दलित का अत्याचार हो रहा है, आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, किसी आंकड़े में किसी जिला का आंकड़े देख लीजिए। सरकार कौन बना है? आप ही बना है। अरे हमने बताया तो इसका मतलब क्या, हमारा संस्थान को बंद करके रखेगा? आपने नेता से बोलिए, आपने पिछड़ा आयोग को चालू कर दिया, आपने अल्पसंख्यक आयोग को चालू कर दिया, आपने हरेक आयोग को चालू कर दिया, BPSC आयोग को चालू कर दिया, शिक्षा आयोग को चालू कर दिया, आपने अनुसूचित जाति आयोग क्यों नहीं चालू किया? आप बताइए, आप जनता को जवाब दीजिए, दलित को जवाब दीजिए।
आप बताइए ना कि 16% बता रहा, पूछ रहा है कि आपने अनुसूचित जाति आप जाके अपने सरकार के दलित नेता से पूछे ये बात क्यों बंद हुआ। अरे दलित नेता सेकने पर पड़ा हुआ है, दलित नेता कौन है बिहार के, कौन है दलित नेता बताइए, कौन है बिहार के चिराग पासवान जितना मांझी संतोष कुमार सुमन है। कौन संतोष कुमार सुमन है? कभी संतोष कुमार सुमन किसी कल्याण हत्र छात्रावास में गया है? देखा है कि क्या समस्या है? आप अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आप सरकार को मैसेज दीजिए कि हमारा अनुसूचित जाति आयोग क्या कर रहा है। हम बताते हैं संतोष कुमार सुमन सब अम्बेडकर छात्रावास में दे रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे देखिए बात यही है, देख रहे हैं हम बोले ना कि एक संस्थान को चालू करे सरकार, हाँ। अनुसूचित जाति आयोग को, हाँ। आप 5 मंत्री को बर्खास्त करे, देखिए सरकार में सही रास्ता निकलेगा और सही डिसीजन होगा। छात्रवृत्ति खत्म हो गया आपका बाल बच्चा के, उसके लिए क्या करेंगे? छात्रवृत्ति हमारा खत्म हो गया, हमारी कमजोरी है, हमारे समाज के लोगों की कमजोरी है, हम समाज के ललकारते हैं। यूनिटी कब बनाइए? हम समाज के युवा वर्ग को ललकारते हैं। बाबा साहब आपको आरक्षण दे दिया, संविधान दे दिया, बोल भी दिए उसमें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हो रहे हैं, संगठित कब हो जाएगा? यही तो देखिए यही दुर्भाग है बिहार में दलितों के लिए, यही दुर्भाग है कि हम लोग संगठित नहीं है। और जिस दिन संगठित होंगे सरकार ना बना लेंगे, हम कुर्सी पर ना आ जाएंगे। अरे पहले अपने नेताओं को संगठित कीजिए ना, जो हमारे कुर्सी पर बैठे हमारे नेता अपना स्वार्थ में है। अरे भाई देखिए ना, हमारे चिराग भैया हुए, जैसे अशोक चौधरी हुए, आपका शिवचंद्र राम हुए, ये सब लोग अपने अपने पार्टी का सिरमौर बने हुए कि हमारे माध्यम से हमारा जाति के लोग आए और हमें नेता मान ले। जातिवाद नेता, इतना बेवकूफ नहीं बिहार के जनता है और दलित समाज है कि आपको नेता माने? अपने समाज के लिए किया क्या है आप, क्या किए कर रहे हैं? एगो हनुमान जी हैं, एगो बजरंगे बली हैं और क्या क्या हैं, बहुत चीज़ हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जो दलित समाज का जो इंस्टीट्यूशन है अनुसूचित जाति आयोग, पूरे बिहार के दलितों को लाभ होने वाला था, आप उसको बंद करके रखे हैं। ये बिहार के दलित समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है और इसको सरकार अगर नहीं चालू कर रही है तो समझ एकदम बिल्कुल खड़े रूप से समझिए कि यह सरकार दलित विरोधी है। दलित सरकार जान रही है कि जिस दिन आयोग को चालू करेंगे, ये जो आयोग में जो भी दलित का जो मामला आएगा वह तूने उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि मैं किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करके मैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग को पुनः चालू करें, ये मैं सरकार से भी मांग करता हूं। पर कुछ नहीं बोलिए छात्रवृत्ति, मैं जो पिछले मेरा जिस तरह से छात्रवृत्ति था, मुझे हर संस्थान में जाने के लिए पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था, जो गरीब बच्चे पढ़ते थे उसको पुनः से भी लागू करें और इस पर सरकार संशोधित करे, सोचे कि नहीं गरीब का जो है ना शिक्षा को हक हम मार रहे हैं। चलिए बहुत सारी इनसे बातें हुई है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।